बिस्मिल्लाह व्यूअर्स, मैं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जेंडर इन इंग्लिश, ये पार्ट टू है। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पार्ट वन मिलेगा, ये इसका पार्ट टू है। तो सबसे पहले ये देखें, मैस्कुलिन फेमिनिन। मैस्कुलिन यानी कि मुजक्कर मतलब नर, और फेमिनिन मतलब मोहनस यानी कि मादा। नर का निशान ये वाला होगा सिंबल अगर देखें, और फीमेल का यानी मादा का मोहनस का ये वाला निशान। तो ये पार्ट टू है, सबसे शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं सर, जनाब मोहतरम, उसका बनेगा फेमिनिन मैडम। सर मैडम, मोहतरमा जनाब या मोहतरम और मोहतरमा। विजर्ड जादूगर, विच जादूगरनी, विजर्ड जादूगर, विच जादूगरनी। प्रॉफिट पैगंबर, और प्रॉफिटस प्रॉफिटस खातून पैगंबर। अच्छा, हमारे यहाँ ये नहीं होता, मज़हब में आपको शायद अजीब लगे लेकिन इंग्लिश में ये होता है, क्योंकि ये मुज़क्कर मुअन्नस हैं, वहाँ उनके हिसाब से होता है। मैं एज ए लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, वरना अकीदा है और चीज़ है। प्रॉफिट पैगंबर मर्द, और प्रॉफिटस प्रॉफिटस पैगंबर औरत। होता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, ये इंग्लिश उनका वो है एक लैंग्वेज, वो समझते हैं इस तरह, हम नहीं वो समझते एज ए मुस्लिम। तो बनेगा पैट्रन पैट्रन वारिस, और पैट्रनिस वारसा। पैट्रन वारिस पैट्रनिन पैट्रनिस वारसा। वारसा मतलब ये बनेगा सरप्रस्त, वारसा नहीं बल्कि सरप्रस्त। सरप्रस्त जो किसी की सरप्रस्ती करे, ये किसी मर्द का मर्द सरप्रस्त हो और ये औरत। मिसाल के तौर पे किसी के वालिद अम्मी या बुनी है सरप्रस्त, तो वो उसका कोई दादा हो सकता है या नाना हो सकता है, मामू चचा कोई भी। और ये पैट्रनिस यानी कि उसकी वारसा, उसकी जो मतलब वालिद उनके माँ बाप के अलावा जो खातून उसकी वारिस होती है, कोई भी हो सकती। नेक्स्ट इज होस्ट, मेज़बान मर्द। होस्टिस होस्ट होस्टिस, मेज़बान मर्द और मेज़बान खातून। स्टीवर्ड स्टीवर्ड, इसको कहते हैं जो जहाज़ या रेलवे के अमले अमला जो होता है, खादिम मुसाफिरों की खिदमत के लिए उनका जो सरबराह होता है उसे कहते हैं स्टीवर्ड। और स्टीवर्डिस 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 वो खातून जो सरबराह खातून उन खादमों की यानी ऑफिसर ऑफिसर खातून जो रेलवे में या जहाज़ किसी तैयारे वगैरह में मुसाफिरों की खिदमत के लिए होती हैं, स्टाफ की यानी कि सरबराह। तो नेक्स्ट इज़ दोबारा इसको देखते हैं, स्टीवर्ड स्टीवर्ड स्टीवर्डिस। नेक्स्ट इज एयर, ये आर को नहीं पढ़ेंगे, बनेगा एआ एयर। और एयरिस एयर एयरिस, एयर मतलब वारिस जानशीन, वो वारिस या जानशीन जो किसी जायदाद माँ बाप के मरने के बाद या किसी बादशाह के मरने के बाद, किसी अपने किसी भी बड़े के मरने के बाद वफात के बाद अपनी जायदाद का या अपने तख्त वगैरह का जानशीन बने, वारिस बने, तो कहेंगे एयर। और एयरिस, ये जो पैटर्न है, पैटर्न हमने पढ़ा, पैटर्न पैटर्न ये पढ़ा, ये है सरप्रस्त, और ये सरप्रस्त है और ये है वारिस, में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी ये वारिस और वारसा, सरप्रस्त और ये सरप्रस्ता, जो प्रस्ता पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, जो औरत होती है। ये देखें एयर एयरस वारिस वारिसा यानी कि जानशीन मर्द और औरत। लैंड लॉर्ड ज़मींदार, लैंड लॉर्ड ज़मींदार। और लैंड लेडी ज़मींदारिन, ज़मींदार औरत। मिल्क मैन गवाला, दूध बेचने वाला। और मिल्क मेड दूध बेचने वाली औरत, गवालन। नेफ्यू भतीजा या भांजा, नेफ्यू भतीजा या भांजा, उसका बनेगा नीस भतीजी या भांजी, उसको कहेंगे नीस, नेफ्यू नीस। उसके बाद है इंचेंटा इंचेंटर, आर को नहीं पढ़ेंगे, इंचेंटा। और इंचेंटनेस इंचेंटस इंचेंटस या इंचेंट्रेस भी कहते हैं शायद, मैंने हो सकता है आर यहाँ पे नहीं लिखा, मेरे ख्याल से ऐसी इंचेंट्रेस, हाँ मैंने आर नहीं लिखा, इंचेंट्रेस। ये देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ, इंचेंटर एस इंचेंट्रेस। इंचेंटर कहते हैं किसी मशहूर करने वाले जादूगर, जो जादूगर से लोगों को मशहूर करे, यानी शोबदाबाज, शोबदाबाजी दिखा के लोगों को हैरान कर दे, जैसे कोई जादूगर या शोबदाबाज। तो इंचेंटर एक फूल का नाम भी होता है, जो वाइट कलर का फूल होता है उसे भी इंचेंटर कहते हैं।
मेरे ख्याल से ये किसी खुशबू का नाम भी है, एनचेंटर और एनचेंटा, और एनचेंट्रेंस एनचेंटरस एनचेंट्रेस खातून यानी शोबदाबाज खातून या जादूगरनी, जो सिर्फ यानी शोबदे के तौर पे, वैसे जादू नहीं। जैसे विजर्ड और विच होता है, इसका मीनिंग भी वही, लेकिन ये शोबदाबाज और विजर्ड और जो विच है, ये जो हकीकी जादूगरनियाँ होती हैं जो बिल्कुल जादू कर देती हैं, वो वाली। और आगे देखें, नेक्स्ट इज़ हमारे पास है एक्टर यानी कि अदाकार, मर्द अदाकार, और एक्ट्रेस अदाकारा, एक्टर एक्ट्रेस अदाकार अदाकारा। के बाद आगे है एबेट और एबेस। एबेट वो होता है जो मजहबी रहनुमा, जैसे ईसाइत होती है, वहाँ रहनुमाओं का जो अकामत गाह होता है उसका सरबराह होता है, या उसके कुछ फ़िरके होते हैं, फिरकों कुछ फ़िरकों का उसको सरबराह बना दिया जाता है, सीनियर बंदा होता है उसका, उसका फ़िरकों का, तो उसे कहेंगे एबेट। एबेट एक कंपनी भी है, और मेरे ख्याल से शायद कुछ पेट्रोल पंप वगैरह भी हैं पाकिस्तान में एबेट कंपनी के। आगे है ये मेडिसिन कंपनी भी एबेट, और आगे है एबेस, इस खातून को कहते हैं जो किसी फ़िरकों की मजहबी, ईसाई ईसाइत के मजहबी फ़िरके की सरबराह होती है औरत खातून, उसको कहेंगे एबेस, एबेट एबेस। आगे है एम्पीरर एम्पीरा और एम्पीरर और एम्प्रेस, एम्प्रेस एम्पीरर मीन शहनशाह, और एम्प्रेस शहनशाह औरत खातून। पता नहीं उर्दू में से क्या कहते हैं शहनशाह और शहनशाह, शहनशाह और बादशाह में ये होता है, बादशाह किसी छोटे से मुल्क का होता है, एक मुल्क का, और शहनशाह होता है पूरी दुनिया का, जैसे पूरी दुनिया पे या आधी से ज़्यादा दुनिया पे उसका हुकूमत उसकी हो। एम्पीरर एम्प्रेस शहनशाह खातून। तो दोबारा देखते हैं, सर मैडम, विजर्ड विच प्रॉफिट प्रॉफिटस, पेट्रन पेट्रनिस, होस्ट होस्टस, स्टीवर्ड स्टीवर्डिस, एयर एयरस, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्कमैन मिल्कमेड, नेफ्यू नीस, एनचेंटा एनचेंट्रेस, और एक्टर एक्ट्रेस, एबिट एबेस, एम्पीरर एम्पीरस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।